तो भाई हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आप सभी का नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये बजाज मैक्सिमा गाड़ी है जो कि एक BS4 गाड़ी है। तो इस गाड़ी में क्या कमी है भाई साहब, क्या कमी है इस गाड़ी में? मतलब अगर हम जैसे चल रहे हैं गाड़ी तो रेस छोड़ दे तो गाड़ी बंद हो जाती है, गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है भाई, फिर स्लिप लगाते हैं फिर चल पड़ती है। मतलब एकदम से गाड़ी बंद होके रुक जाती है, फिर चल जाती है, फिर रुक जाती है। तो ये अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कंडीशन है बजाज मैक्सिमा गाड़ी में, तो भाई सबसे पहले अगर आप चेक करोगे तो चेक करने की चीज होती है भाई डीजल फिल्टर। क्योंकि अगर हमारा तो भाई सबसे पहले आप डीजल फिल्टर चेक करेंगे, और हमने इस गाड़ी का डीजल फिल्टर खोल लिया भाई। तो भाई देखो, हमने डीजल फिल्टर निकाला जा छोटे। तो अगर दोस्तों आपकी गाड़ी में ऐसी कमी आए कि आपकी गाड़ी चलते चलते एकदम से खुल के नहीं चले और बंद हो और फिर स्लिप लगाने से फिर स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले मिस्त्री क्या फॉल्ट चेक करते हैं, वो डीजल फिल्टर चेक करते हैं। क्योंकि अगर डीजल फिल्टर हमारा चोक होगा तो गाड़ी के अंदर डीजल की सप्लाई रुक जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि गाड़ी मिसिंग मारने लग जाएगी, खुल के नहीं चलेगी भाई। तो इस कंडीशन में हम इस गाड़ी का डीजल फिल्टर चेंज करेंगे भाई। क्योंकि देखो, ये हमारा डीजल फिल्टर है और इसके अंदर जो जाली होती है वे रुक जाती है भाई। मिस्त्री दिखाने पर कौन सी जाली रुक जाती है इसकी? सारी जाली में तेल आ गया। यहाँ से तेल आ गया, मतलब देखो भाई यहाँ से, हाँ ये वाला, यहाँ से क्या होता है भाई, डीजल सप्लाई होता है क्योंकि पूरा डीजल इसके अंदर घूमेगा और कचरा रह जाएगा वो इसके अंदर रह जाएगा, और साफ तेल जो होगा वो गाड़ी को मिल जाएगा। इसमें क्या है कि ये जाली इसकी रुक चुकी होंगी अंदर से, ये चोक हो जाते हैं, चोक होने की वजह से क्या होगा कि गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम आएगी। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, रख दे इसको ऊपर इसमें डाल दे, इसको आप नया ही चेंज करना भाई, और अच्छी कंपनी का फिल्टर यूज करना। तो भाई आपने क्या करना, जो हमारे डीजल फिल्टर बाटे उसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना, और इसके अंदर एक नया फिल्टर डाल देना ऐसे। तो भी बजाज मैक्सिमा गाड़ी के अंदर पंप ही नहीं होती है, तो आपने फिल्टर को यहीं पे भरना पड़ेगा बार की बार। देखो इस तरीके से हम, क्या है, मोटर हो है? हाँ, मोटर होगा, मोटर होती है इसके अंदर। हाँ, इसमें मतलब जल्दी हवा निकल जाएगी, इसके अंदर पंप ही सिस्टम नहीं होता, इस गाड़ी के अंदर मोटर सिस्टम होता, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा भाई, इसलिए हमें फिल्टर को यहीं से भर लेंगे बार की बार से, क्योंकि फिर हवा निकालने का प्रोसीजर हमारा खत्म हो जाएगा अगर हम ये तरीका यूज करेंगे। तो भर गया कि कितने दिन तक प्रॉब्लम दिखा दिया इसी? दो दिन तक, मतलब पुड़पे तो नीचे उतरे तो बंद हो जाए। रेस छोड़ रही थी, मतलब गाड़ी इनका समझ में नहीं आ रही थी, गाड़ी रेस छोड़ रही थी भाई। किसी भाई की हेल्प हो जाए यार फ्री में, अपना के लग गए। देख फाल्ट तो छोटा ऐसा है, वो अलग का बवाल बन जाता इसका, किसी एनआरडी मिस्त्री दूर चला जावे डर के के पंगे करे। फॉल्ट इसमें डीजल फिल्टर का है 100% या प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए भाई। तो दोस्तों इस तरीके से आपने भाई सबसे पहले जो चीज कमी पकड़ने की होती है वो यही होती है कि आप सीधा सीधा अपनी गाड़ी की डीजल सप्लाई चेक करो, और डीजल सप्लाई की बात आए तो डीजल फिल्टर चोक हुआ मिलता है। इस फिल्टर को हम ऐसे कैसे लगा देंगे और फिर इस गाड़ी की ट्रायल लेंगे भाई। अगर आपकी गाड़ी मिसिंग मारती हो BS4 बजाज मैक्सिमा Z, तो आपने ये प्रोसीजर करना भाई। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भाई। मिस्त्री जी, अब इसमें हवा निकालने की जरूरत रहेगी? तो भाई अगर हमने फिल्टर बाटी को बाहर की बाहर डीजल से भर लिया तो इसके अंदर हवा निकालने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हवा इसके ऑटोमेटिक से निकल चुकी है। और क्या चेक करेगा? तो भाई वहां से हमने डीजल फिल्टर हमारा बंद कर दिया। स्विच लगा दे भाई। स्विच लगाने के बाद देखो भाई, मोटर ने तेल फेंक दे, इसकी सारी हवा निकल जाएगी अभी इस तरीके से। देखो भाई, ये झाग से यानी खत्म हो जाए ना, तो आप समझ लेना कि आपकी गाड़ी की हवा निकल चुकी है। अगर जैसे जैसे ऑयल में झाग आएंगे तो वो हवा रह रही है भाई इसके अंदर। देखो इसके अंदर झाग आनी बंद हो चुकी है, और हमने बताया था भाई इसके अंदर पंपी सिस्टम नहीं होता, इसके अंदर मोटर सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिक से तेल को फेंकता है। बस कर दे बंद, कटवाऊं सोचे नुगानू बंद करेगा, कर दे भाई।
निकलेगा इतना तो भाई निकलेगा। चल डाल दी उसके मैं वो डाल दी कीप के लोग लगा दिए भी इसका। चल भाई कर स्टार्ट। पहले भाई आपने जब भी गाड़ी को स्टार्ट करे एक बार स्विच लगा देना ताकि इसका हीटर चल जाए और हीटर से गाड़ी थोड़ी गर्म हो जाएगी और फिर जाके स्टार्ट होती है गाड़ी। चल रहा है ट्राई लेगा होगे गलत बीच करे दिए गलत बीच करें दे। दोस्तों जो इस गाड़ी के अंदर मिसिंग की प्रॉब्लम थी भाई वो खत्म हो चुकी है। देखो ये फिल्टर चौक था लाइव आपको दिखाया भाई और गाड़ी की पूरी रेस दे के दिखा दी आपको पूरी रेस। तो भाई ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल से रेगुलर जुड़े रहे आप।